हेलो फ्रेंड्स, आज आम पढ़ा लॉजिक रो ओडिया मीडियम रो चैप्टर टू, मतलब फर्स्ट चैप्टर रो सेकंड पार्ट। लास्ट क्लास रे आमे व्यवहित अनुमान अव्यवहित अनुमान विषय जानते एवं देखा अव्यवहित अनुमान कौन। जो अनुमान सिद्धांत गोटे तर्क वाक्य निश्चित होता है ताकि अव्यवहित अनुमान कह चार भाग विभक्त, जथा समवर्तन, व्यावर्तन, विपरीतावर्तन और अंतरावर्तन। उदाहरण, समस्त मानव मरणशील अर्थ समस्त मरणशील प्राणी मानव अटंती। तुम कौन जान लो गोटे तर्क वाक्य सिद्धांत निश्चित होता है। गोटे तर्क वाक्य हूँ समस्त मानव मरणशील, एथिर सिद्धांत निश्चित है समस्त मरणशील प्राणी मानव अटंती। यह चार भाग विभक्त, जथा समवर्तन, व्यावर्तन, विपरीतावर्तन और अंतरावर्तन। ओके, नेक्स्ट व्यवहित अनुमान कौन। जो अनुमान सिद्धांत दुईट तर्क वाक्य निश्चित होता है ताकि व्यवहित अनुमान कह जाए। अव्यवहित अनुमान में गोटे तर्क वाक्य सिद्धांत निश्चित होता है, कि व्यवहित अनुमान में दुईट तर्क वाक्य सिद्धांत निश्चित होता है। यह दुई भाग विभक्त, जथा अमिश्रित प्रतियुक्ति और मिश्रित प्रतियुक्ति। उदाहरण, समस्त मानव मरणशील, राम जड़े मानव अतए राम मरणशील अटे। दुईट तर्क वाक्य, समस्त मानव मरणशील गोटे तर्क वाक्य, राम जड़े मानव गोटे तर्क वाक्य, आ सिद्धांत हूँ राम मरणशील अटे। तेणु दुईट तर्क वाक्य सिद्धांत निश्चित हो। बेले बेले क्वेश्चन आसे जे अव्यवहित अनुमान में कतोटी तर्क वाक्य थाए। अव्यवहित अनुमान में दुईट तर्क वाक्य थाए, कि सिद्धांत गोटे तर्क वाक्य निश्चित होता है सत, कि तर्क वाक्य थाए दुईट, जमीक समस्त मानव मरणशील, समस्त मरणशील प्राणी मानव अटंती, एटा भी गोटे तर्क वाक्य, एटा भी गोटे तर्क वाक्य। सिद्धांत गोटे तर्क वाक्य निश्चित रोचे, आउ रोचे दुईटा तर्क वाक्य, आ समस्त मानव मरणशील गोटे तर्क वाक्य, राम जड़े मानव गोटे तर्क वाक्य, राम मरणशील गोटे गोटे तर्क वाक्य। दुईट तर्क वाक्य सिद्धांत निश्चित होती, कि रोचे तीनो तर्क वाक्य। तेणु मन रख। नेक्स्ट गोटे लंग टाइप, समवर्तन कौन, यार नियमावली और विभिन्न प्रकार तर्क वाक्य समवर्तन दर्शाओ। मुझे व्यवहित अनुमान को चार भाग व्यक्त कराइला, समवर्तन, व्यावर्तन, विपरीतावर्तन और अंतरावर्तन। तेरे समवर्तन व्यवहित अव्यवहित अनुमान एक रूप। समवर्तन हूँ एक प्रकार अव्यवहित अवरोह अनुमान, अव्यवहित अनुमान एक रूप, जो थी कि हेतुवचन उद्देश्य को सिद्धांत विधेय रूपे हेतुवचन विधेयक को सिद्धांत उद्देश्य रूपे व्यवहार कर यथार्थ सिद्धांत ग्रहण कराए। तेणु समवर्तन हेतुवाक्य उद्देश्यटा सिद्धांत विधेय हुए, हेतुवाक्य विधेयटा सिद्धांत उद्देश्य हुए। आ समवर्तन हेतुवाक्य को समवर्तनीय और सिद्धांत को समवर्तित कराए। नेक्स्ट समवर्तन नियमावली, समवर्तनीय उद्देश्य समवर्तित विधेय हुए। नेक्स्ट समवर्तनीय विधेय समवर्तित उद्देश्य हुए। समवर्तनीय और समवर्तित मध्य गुण परिवर्तित रहे, अर्थात जदि समवर्तनीय सदर्थक हुए समवर्तित मध्य सदर्थक हे, आ समवर्तनीय नंजर्थक हेल्ला समवर्तित मध्य नंजर्थक हे। फोर्थ रूल, समवर्तनीय अव्याप्त कौन से पद समवर्तित व्याप्त हो पारना, जो पदटी समवर्तनीय अव्याप्त से समवर्तित व्याप्त हो पारना। नेक्स्ट देखा विभिन्न प्रकार तर्क वाक्य समवर्तन। फर्स्ट आ तर्क वाक्य समवर्तन, समवर्तनीय आ समस्त प फ अटंती, समवर्तित ई केतेक फ प अटंती। प्रथम नियम थी कौन, समवर्तनीय उद्देश्यटा समवर्तित विधेय हुए, समवर्तनीय उद्देश्य यहाँ प, समवर्तनीय विधेय हूँ फ। तेणु समवर्तनीय उद्देश्यटा समवर्तित विधेय पद को पलि आसला। नेक्स्ट रूल थी समवर्तनीय विधेयटा समवर्तित उद्देश्य हुए, समवर्तनीय विधेय फ जोटा कि समवर्तित उद्देश्य हो जाए फ। थर्ड रूल थी समवर्तनीय समवर्तित मध्य गुण अपरिवर्तित रहे, गुण अपरिवर्तित अर्थात गुण समान रहे, अर्थात समवर्तन जदि समवर्तनीय जदि सदर्थक हे समवर्तित मध्य सदर्थक हे, समवर्तनीय जदि नंजर्थक हुए समवर्तित मध्य नंजर्थक हे। आटा सामान्य सदर्थक, एटा होची विशेष सदर्थक, तेणु उभय सदर्थक सदर्थक अटंत। तेणु समवर्तनीय समवर्तित मध्य गुण समान रहा। लास्ट रूल, समवर्तनीय अव्याप्त कौन से पद समवर्तित व्याप्त हो पारना, जो पदटी समवर्तनीय अव्याप्त से समवर्तित व्याप्त हो पारना। आ तर्क वाक्य उद्देश्य पदटी व्याप्त, ये प उद्देश्य स्थान रही प व्याप्त, आ फटा व्याप्त होना, तेणु जोटा समवर्तनीय व्याप्त होना से समवर्तित व्याप्त हो पारना। तेणु फटा समवर्तनीय व्याप्त होना से समवर्तित मध्य व्याप्त होना, आ जोटा समवर्तनीय व्याप्त होटा दरकार नहीं समवर्तित व्याप्त हवा, से व्याप्त हेले ठीक न हेले भी ठीक। एटी देख समस्त प फट उद्देश्य पटा व्याप्त होती एटा समवर्तित व्याप्त होना, तेणु एटा ठीक अच्छे। किंतु जदि समवर्तनीय कौन पद व्याप्त होना, ये देख मना कर फटा व्याप्त होना, जदि एटा इ तर्क वाक्य फ पदटा व्याप्त होता सिद्धांत फ पदटा व्याप्त होता, तेल ये सिद्धांत निश्चित सम्भवपर हो ना, कारण यह समवर्तन नियम को अनुसरण करूना। एटा गला प्रतीकात्मक उदाहरण, ये मूर्त उदाहरण। कंक्रीट एक्जाम्पल, आ समस्त अंश धलापक्ष अटंती, केतेक धलापक्ष अंश अटंती।
उद्देश्य विधेयक आसला विधेयटा उद्देश्य को आसला यह मन रखता असरल समवर्तन कह जाए कारण यठार समवर्तन और समवर्तित मध्य परिमाण असमान अच्छी सामान्य तर्कवाक्य यहाँ हूँ विशेष तर्कवाक्य समस्त के आसतु समवर्तन और समवर्तित मध्य परिमाण सामान ना तेणु यह असरल समवर्तन कह जाए देख ए तर्कवाक्य समवर्तन ए तर्कवाक्य समवर्तन यहाँ सब देख ये प्रतीक हिसाब से लिखा जाए प्रतीकात्मक उदाहरण आ कंक्रीट भाव जो लिखाई से मूर्त उदाहरण तेणु प्रतीक उदाहरण कौन कौन प फे कौन फ प नुए उद्देश्य उद्देश्य विधेयक आसला विधेयटा उद्देश्य को आसला आउ गुण भी सामान रही उभय नंजर्थक नुहे नुहे अच्छी फोर्थ रूल तो अटोमेटिकाली सब आड़े सामान आ समवर्तन समवर्तित कौन अंश धलापक्षी नुहत कौन धलापक्षी अंश नुहत यहाँ सरल समवर्तन कह जाए कारण यठार समवर्तन और समवर्तित मध्य गुण और परिमाण सामान रही गुण और परिमाण सामान रही गुण और परिमाण सामान रही परिमाण तो उभय विशेष विशेष सरी उभय सामान्य सामान्य कौन कौन एटा हूँ सामान्य नंजर्थक यहाँ सामान्य नंजर्थक तेणु गुण सामान रहा उभय नंजर्थक परिमाण सामान रहा गुण नंजर्थक उभय नंजर्थक तर्कवाक्य परिमाण उभय सामान्य तर्कवाक्य तेणु गुण और परिमाण जेहेतु सामान रही उभय समवर्तन और समवर्तित मध्य सरल समवर्तन कह जाए नेक्स्ट इ तर्कवाक्य समवर्तन इ तर्कवाक्य समवर्तन केतक प फ अटंती इ तर्कवाक्य समवर्तित मध्य से इ तर्कवाक्य हम केतक फ प अटंती पटा प पटा उद्देश्य था विधेयक आसला फटा विधेयक था उद्देश्य को आसला कंक्रीट एग्जाम्पल लिखा गुण और परिमाण उभय सामान रोचे ईटा हूँ विशेष दर्थक ईटा मत विशेष दर्थक तेन समवर्तन ई केतक राजा बुद्धिमान अटंती समवर्तित ई केतक बुद्धिमानी मनुष्य बुद्धिमान मनुष्य राजा अटंती यह सरल समवर्तन कह जाए कारण यार समवर्तन और समवर्तित मध्य गुण और परिमाण सामान रही ओके लास्ट लास्ट ओ तर्कवाक्य समवर्तन ओ तर्कवाक्य समवर्तन संभव हो नाई इंपोर्टेंट सब टाइप ओ तर्कवाक्य डैश तर्कवाक्य समवर्तन संभव नुए क्वेश्चन आसपे ओ तर्कवाक्य समवर्तन संभव नुहे कारण यह समवर्तन नियमावली समवर्तन समवर्तन अव्याप्त कौन से पद समवर्तित व्याप्त हो पार ना जो चतुर्थ नियमावली आम पढ़ी समवर्तन समवर्तन अव्याप्त कौन से पद समवर्तित व्याप्त हो ना तेणु ओ तर्कवाक्य से नियम टी अनुसरण करना तेणु ओ तर्कवाक्य समवर्तन संभव नुहे लास्टे तुम गोटे बंदनी करी एमती दर्शाई पार जमीक एग्जामिनर को जना पड़ो जो हाँ पिला ठीक ठाक जाणी आ तर्कवाक्य समवर्तित रूप इ ए तर्कवाक्य समवर्तित रूप ए इ तर्कवाक्य समवर्तित रूप इ ओ तर्कवाक्य समवर्तन संभव नुहे ये तुम लिखिपर सरल यह असरल समवर्तन कह जाए यह सरल समवर्तन कह जाए सरल समवर्तन कह जाए भी देखेदेव जो आहरी बेटर हम आ पाला तुम्हें लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सब्सक्राइबर बढ़ा पिला शेयर कर जमी से उपकृत हो थैंक यू।